Hello everyone, I hope you all are absolutely fine. Welcome back to Blueprint Digital, a platform which gives you a complete package of videos as well as best study material for your academics in all the subjects, in both the mediums and for all the classes. My name is Kanupriya, you remember your English dost. In today's class, we are going to cover a chapter which many of the students find difficult to understand. I don't know why. But today, we are going to do it in the most easiest way. But before that, I would tell you two things to do. One, if you are new to the channel or a constant viewer and have not yet subscribed to the channel, then you must subscribe to it. And do press the bell icon along with it, so that you get the notifications of all the lecture updates from our site time to time. Second, do sit with your book, notebook and pen, so that you write all the notes that we are going to learn, through which we are going to learn in today's class. It will help you at the time of revision during your exams. In that time, you don't have to make any hassle in finding your notes or looking out for help books. Just open those pages and you can revise them easily. So let us begin. A Long Walk to Freedom by Nelson Rolihlahla Mandela. Ma'am, aapne kuch bola. Yes, I said right. It's Rolihlahla. It's not Rolihlahla. It's Rolihlahla, right? So he is the hero of our chapter, because this chapter is basically an extract from his book in which he has written his entire journey of seeking freedom from apartheid. एक पूरी journey जो उनकी life की लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपनी life का पूरा struggle लिखा है, उस struggle के बारे में लिखा है जो blacks को, जितने भी उनके जैसे ब्लैक्स थे, जितने उन लोगों को एजेस से वाइट एरिस्टोक्रेसीज की वजह से बियर करना पड़ रहा था, वो टॉर्चर्स, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या सोशली हो, वो सारे टॉर्चर्स का एक एंड लेकर हमारे इस चैप्टर के हीरो जो हैं वो लेकर आते हैं. और ये हमारे हीरो जी का नाम है मिस्टर, आई वुड से द रिस्पेक्टेड और मिस्टर नेल्सन मंडेला, राइट. चैप्टर की थीम देख लेते हैं पहले. द लेसन पेज ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, और गिविंग योर रिवरेंस और रिस्पेक्ट, राइट. द लेसन पेज ट्रिब्यूट टू दोज ब्लैक हीरोज एंड पैट्रियट्स हु वेज्ड अ रिलेंटलेस स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थीड और द रेसिस्ट रिजीम ऑफ साउथ अफ्रीका. ट्रिब्यूट का मतलब है एक श्रद्धांजलि, यहाँ पे ये कह सकते हैं एक रिस्पेक्ट नोट जो है दिया गया है. द लेसन पेज ट्रिब्यूट टू दोज ब्लैक हीरोज मीन्स ऑल दोज हीरोज हु वर इन ब्लैक इन कलर एंड हैड टू फाइट अगेंस्ट वाइट एरिस्टोक्रेसीज एंड पैट्रियट्स देशभक्त हु वेज्ड हु ऑल पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स हु हैड ऑल पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स टू वॉट टू रिलेंटलेस मीन्स अनस्टॉपेबल अनटायरिंग. ठीक है, ऐसा स्ट्रगल जिसके लिए कोई भी नहीं रुका, लगातार निरंतर या कंसिस्टेंट स्ट्रगल चलता रहा फ्रॉम एजेस फॉर ईयर्स. ठीक है, अगेंस्ट अपार्थीड और द रेशियस रिजीम. रिजीम मीन्स रूल एंड रेगुलेशन, तो वहां पे रेशियस रिजीम था. किस तरीके से रेशियस रिजीम था वहां? रेशियस रिजीम इस तरीके से कि वहां पे ब्लैक्स और व्हाइट्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, एंड इवन द राइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड. ठीक है, ऑफ साउथ अफ्रीका. हेयर वी फाइंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी. तो ये जो पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में एक नेल्सन मंडेला जी ने हमें पूरे स्ट्रगल को एक समअप वे में बताया है. और वहाँ पे जितनी बड़ी बड़ी डिग्नेट्रीज वहाँ पे आई हुई थी, उन सबको पता चला दैट हाउ strong or relentless and how difficult it was to go through all those tortures
or those social discriminations and everything, right? Held in the union buildings, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries. 140 countries ke highly reputed ya respected figure har country mein se aayi thi us din ko celebrate karne. ठीक है, माई बोर्ड इज फिल्ड टुडे. वन साइड आई डिस्कस द थीम ऑफ द चैप्टर, अनदर साइड आई एम गोइंग टू डिस्कस द मैसेज विद यू. इफ यू हैव नॉट रिटन इट डाउन, डू गिव अ पॉज टू द वीडियो एंड नोट डाउन एवरीथिंग. चलिए मैसेज देख लेते हैं. नेल्सन मंडेला गिव्स अ मैसेज ऑफ पीस एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी आप लोग लॉन्ग आंसर्स लिखें उसमें कुछ ना कुछ मैसेज को जरूर, कुछ ना कुछ मैसेज का पार्ट या लाइंस या जो भी आपको पार्ट मिलता है चैप्टर से समझ में आया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैसेज इटसेल्फ, राइट? यू मस्ट राइट इट व्हाइल स्टार्टिंग योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. दिस इज अ टिप, यू मस्ट नेवर फॉरगेट. नेल्सन मंडेला गिव्स अ मैसेज ऑफ पीस एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. ही फोरसीज, ही लुक्स फॉरवर्ड, राइट, टुवर्ड्स a new regime. New regime means rule, नया rule, ठीक है, एक नया system जो कि based होगा किसके ऊपर, equality के ऊपर. किसके साथ equality? जितने भी men और women हैं, चाहे वो किसी भी race के हों, चाहे वो किसी भी creed के हों, caste के हों या gender के हों, उनका जो main focus वो क्या है कि एक country चलनी चाहिए on the basis of equality. He hopes that in the new regime there will be no exploitation. किसी का भी गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा on any basis, right? Of man by man. एक इंसान दूसरे इंसान का, एक person दूसरे person का exploitation किसी भी ground पर नहीं करेगा. Ground मतलब किसी भी basis पर, right? There will be no room for racialism. Racialism means color के basis पे जो differentiation होता था, और segregation मतलब अलग अलग कटना करना, भाव भाव किसी भी चीज के हाव भाव को बदलना या भेदभाव करना किसी भी ground पर, ठीक है, वो इस new order में नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए चैप्टर को समझ लेते हैं इन द इजिएस्ट वे. डोंट फॉरगेट टू कॉपी डाउन द नोट्स. सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. फर्स्ट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट. सो इट इज़ द डे ऑफ 10 May 1994, द डे ऑफ हिस्ट्री इन साउथ अफ्रीका. सो हेयर when the चैप्टर ओपन्स, हेयर एवरी वन इज सिटिंग देयर इन अ लार्ज एम्पी थिएटर ऑफ यूनियन बिल्डिंग. ठीक है, एक एम्पी थिएटर क्या रहता है, सेमी ओपन, सेमी कवर्ड, ठीक है, तरीके से एक थिएटर है जहाँ पे देयर इज प्लेस, इट्स इन यूजुअली इन सर्कुलर मोशन और प्लेसेस होती हैं जहाँ पे सब बैठे होते हैं, एंड अ कॉमन एरिया इज देयर समवेयर नियर द ग्राउंड इटसेल्फ, जहाँ से एक पर्सन पूरे जितने भी लोग बैठे होते हैं उनको एड्रेस करते हैं. ठीक है, यू विल सी द इमेज ऑल्सो. सो day was very bright and clear, which was marking the sense of achievement. It was a day of achievement after all the days of black clouds, or in South Africa those black clouds were the days of struggles for the people of South Africa who were black in color, right? So wo din tha jis din sab cheeze अच्छी होने जा रही थी, और वहां की सबसे पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होने वाली थी, एंड इट वाज बीइंग हेडेड बाय मिस्टर नेल्सन मंडेला इटसेल्फ. ठीक है, इनॉग्रेशन सेरेमनी की प्रिपरेशन हुई, वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए थे. कहां पे हुई? इन द एमपी थिएटर इन यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, राइट. सबसे बड़ी गैदरिंग थी आज तक, टिल दैट डेट, आज तक मतलब टिल दैट डेट, आज तक इतनी बड़ी गैदरिंग किसी भी कंट्री को रेवरेंस देने के लिए या उसकी अचीवमेंट को मार्क करने के लिए इतनी गैदरिंग कभी नहीं हुई है. मिस्टर डी क्लार्क, अब डे क्लार्क जो, मिस्टर डे क्लार्क, ही वॉज इलेक्टेड एज
The second deputy president of South Africa. So he was called on the stage to take the vow of serving as the second deputy president. So he came forward first, he expressed his opinion, his views, and gave his speech, and after that came Thabo Mbeki, and he was elected as first deputy president. When they both took their vows, when the ceremony started, or उन्होंने अपने वचन दिए, ठीक है, they took the oath. After that, at the end comes up Nelson Mandela ji. He turns up there to address the entire gathering, sitting there to remark a great day of achievement for South Africa. He was elected as the president of South Africa, and that too free South Africa. South Africa free from all the discriminations and any sort of racialism, right? So democratically pehli baar government bani aur un government ke president bane Nelson Mandela, right? Now there was a spectacular view, and he comes up with his opinion, with his speech. ठीक है, क्या स्पेक्टेकुलर व्यू था वो हम अब पढ़ते हैं. गोइंग अहेड वी सी दैट नेल्सन मंडेला एड्रेसेस एंटायर मॉब देयर. ठीक है, जितनी भी गैदरिंग थी उन सबको एड्रेस करते हैं अपनी स्पीच के थ्रू, और वो बताते हैं वहाँ दैट फॉर मेनी इयर्स, ठीक है, जो ये गवर्नमेंट रही है, इट्स सीट हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय वाइट सुप्रीमेसी और एरिस्टोक्रेसीज, राइट? सो ही सेज कि आज हम सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं, ऑल द ब्लैक्स ऑल द वाइट्स, व्हाई? बिकॉज इट हैज़ बीन जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज, या एक एडजस्टमेंट हो चुका है जिसमें वाइट सुप्रीमेसी ने हाथ मिला लिया है किसके साथ, ब्लैक्स के साथ. कोई गठबंधन नहीं हुआ है, बट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शंस, राइट, डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है वहाँ पर वाइट की डोमिनेंस अब खत्म हो गई है. एंड ऑल ऑफ देम वर स्टैंडिंग देयर रिमार्किंग द ग्लोरी एंड द न्यू लिबर्टी. न्यू लिबर्टी किस चीज़ के लिए? ब्लैक्स के लिए. ये जो सॉइल थी, जो बहुत टाइम से इट वॉज आउट ऑफ द लॉज मेड बाय वाइट सुप्रीमेसी, ठीक है, जितने भी वाइट्स लोग थे उन्होंने क्या किया था, ब्लैक्स को उनके ही राइट से डिप्राइव किया हुआ था. दे वर नॉट गिवन एनी राइट्स टू लिव सोशली और इन हार्मनी विद वाइट्स, ठीक है, मतलब उनको अलग कंसीडर किया जाता था, राइट? तो ये सारे लॉज जो थे, जो ब्लैक्स के रीच तक भी नहीं थे, आज वो सारे राइट्स वापस से किसके पास हैं? ब्लैक्स के पास हैं. और ब्लैक्स के पास ऐसा नहीं है कि ब्लैक्स अब वाइट्स पे डोमिनेट करेंगे, ऐसा नहीं है. इसी चीज़ पर नेल्सन मंडेला एड्रेस करते हैं पूरी मॉब को कि इतना टाइम वाइट्स ने हमारे ऊपर राज किया, तो अब ऐसा नहीं कि हम लोग उनके ऊपर राज करेंगे. दे वॉन्ट टू लिव विद इक्वालिटी, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, कंट्री में सिर्फ इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो, ठीक है. सॉइल वॉज अगेन ब्लैक बैक टू इट्स पीपल. बैक टू इट्स पीपल मीन्स ऑल द पीपल, ईदर वाइट और ब्लैक्स, ठीक है, अब ये लैंड सबकी है. एंड अगेन द नेशंस फ्लैग वॉज बींग होस्टेड देयर, राइट? पॉलिटिकल फ्रीडम हैड वॉन. वो कहते हैं कि यहाँ आज कोई रेशियल विक्ट्री नहीं हुई है, बट पॉलिटिकली फ्रीडम मिला है आज उन लोगों को. एंड दैट इज अ बिग डे, अ ग्रैंड डे टू बी सेलिब्रेटेड, अ ग्रैंड हिस्टोरिकल अचीवमेंट फॉर साउथ अफ्रीका. ऑल्सो नेल्सन मंडेला टेक्स दी ओथ ऑफ फ्रीइंग इट्स पीपल फ्रॉम बॉन्डेजेस. बॉन्डेजेस किस चीज़ के? वो क्या चाह रहे थे? वो सिर्फ इतना नहीं चाहते थे कि हम ब्लैक्स को राइट मिल जाए. वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका पूरा का पूरा कुछ बॉन्डेजेस हैं जो कि
लाइफस्टाइल में या लोगों की ज़िंदगी में डीप रूट्स ले चुकी हैं, बट उसको वो इराडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। वो बॉन्डेजेस किसके हैं लिख लीजिए, पॉवर्टी के, ठीक है, डिप्रीवेशंस के। डिप्रीवेशंस मीन जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ठीक है, जो वो डिप्राइव हैं, जैसे राइट्स, उनके हक, वो सब, साथ में हंगर, ठीक है, पॉवर्टी, डिप्रीवेशंस, हंगर, राइट, एंड डिजीज, हंगर एंड डिजीज, ठीक है, जितनी भी बीमारियां हैं, मींस इट विल बी फ्री एंड क्लीन इन एवरी फॉर्म, राइट। और वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा लैंड या ऐसा नेशन बन के उभरेगा जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन पर कभी भी अपना ऑपरेशन या अपना दबाव नहीं बना सकेगा। ही डिड नॉट वॉन्ट द पीपल टू ओवर रूल वन अनदर। वो कहते हैं यहाँ पे सब इक्वालिटी के साथ रहेंगे विद द सेम स्टेटस इन द सोसाइटी, एंड दैट वॉज वॉट हैड मेड इट यूनिक, दैट सो मैनी पीपल फेल्ट इट एज अ कॉमन अचीवमेंट, कॉमन विक्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो नेल्सन मंडेला जी ने बोली है, एंड इट इज अ क्वेश्चन फॉर लॉन्ग आंसर्स, राइट। और ये इसी का पार्ट है जो कि क्वेश्चन बनता है, ये नेल्सन मंडेला जी ने लाइन बोली और इसके आगे लिख कर आ जाता है कॉमेंट और जस्टिफाई, यह नेल्सन मंडेला जी ने ऐसा क्यों कहा। लाइन सुन लीजिए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी, द इनॉग्रेशन सेरेमनी सिंबलाइज्ड अ कॉमन विक्ट्री। कैसे थी कॉमन विक्ट्री? अगर कॉमन विक्ट्री नहीं होती तो इतनी सारी कंट्रीज के, 140 कंट्रीज के डिग्निट्रीज लोग अटेंड करने नहीं आए होते, बट ऑल ऑफ देम वर देयर। The inauguration ceremony symbolized a common victory for justice. How you have to remember it, okay? Justice, peace and human dignity. Okay, PJD. Peace, justice, dignity. Right? For human dignitary. Yeah, aap chaliye. Against the most hated apartheid regime based on social discrimination. एक तो वो लोग racial system के मारे हुए थे, and on top of that they were also discriminated socially, that they were deprived of their rights, social rights which kept them away from living a life of harmony, right? You must note down this question, you must note down these notes so that every line, every word is there in your mind from the chapter. Ab Nelson Mandela kehte hain ki ye mere liye bahut bada sense of achievement hai, human history hai. Wo kyun kehte hain, we'll see now. Along with Mandela's speech, there was an impressive display of jets, and it was such a spectacular view for everyone sitting there, giving reverence to the installation of historical moment, I would say, the historical moment of democracy, a movement that had inspired several other countries and the governments running there. A perfect formation of jets and helicopters. So there was a spectacular array of jets and helicopters which were giving or a remark and were demonstrating the military's loyalty. ठीक है, military की loyalty की तरफ वो एक demonstration था, और वो loyalty सिर्फ और सिर्फ जो था वो democracy के लिए नहीं था, या सिर्फ अकेली गवर्नमेंट के लिए नहीं था, बल्कि दोनों के लिए था वो डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, फॉर डेमोक्रेसी एंड द गवर्नमेंट इटसेल्फ। टू नेशनल एंथम्स वर आल्सो बीइंग डिस्प्लेड, वर बीइंग सॉरी प्लेड एट द टाइम व्हेन ऑल दिस डिस्प्लेइंग थिंग और डेमोन्स्ट्रेशन थिंग वॉज गोइंग ऑन, ठीक है। दो नेशनल एंथम भी गाए जा रहे थे, दो नेशनल एंथम, एक वाइट्स का और एक ब्लैक्स का। पर आप कहेंगे ये तो बंद नहीं हुआ, वाइट्स का या ब्लैक्स का डिस्क्रिमिनेशन तो ख़त्म नहीं हुआ। एक्चुअली नेल्सन मंडेला हैड द आइडिया ऑफ इक्वालिटी दैट द न्यू रेजिम वॉज ब्रिंगिंग इन द सोसाइटी, ठीक है। इक्वालिटी कैसे है कि वाइट्स के पास, वाइट्स
के हक हैं, सारे हैं। ब्लैक्स के पास उनका अपना हक है, कोई किसी को ओवरपावर नहीं करेगा। वो ये नहीं चाहते थे कि वाइट्स को लगे कि अब ब्लैक्स उन पे हावी होंगे, तो ब्लैक्स का जो नेशनल एंथम है जो पहले ठीक है हुआ करता था एंग्लो बोयर वॉर से पहले, ठीक है, जो ब्लैक लोगों का अपना जिनकी मिट्टी है जिनकी ज़मीन है उन लोगों का जो नेशनल एंथम होता था वो बंद करा के वाइट्स ने अपना शुरू कर दिया था। बट वो अब दोनों ही चीज़ें कॉन्टिन्यूएशन में थी। वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू ले एम्फोसिस ऑन इक्वालिटी। वो ये नहीं डालना चाहते थे किसी भी ब्लैक के अंदर ऐसा सीड सो नहीं करना चाहते थे जिससे ब्लैक्स को लगे कि अब हम वाइट्स पे डोमिनेट कर सकते हैं। किसी को किसी पर डोमिनेट नहीं करना था। नेक्स्ट, देयर वॉज अ सेंस ऑफ हिस्ट्री एंड नेल्सन मंडेला वॉज वेरी मच ओवरवेल्म्ड बाय इट। वाई ही वॉज ओवरवेल्म्ड बाय इट? बिकॉज It was a nostalgic or emotional moment where he was seeking freedom, liberty, happiness for people all around him. जितने भी उनके लोग हैं उस ज़मीन पर रहने वाले और जितने भी आसपास लोग उनकी बात सुन रहे थे, उनका मैसेज सुन रहे थे और उनको रेवरेंस देने आए हुए थे, उन सब के सामने वो एक इमोशनल नोट शेयर करते हैं कि किस तरीके से सालों तक for decades the blacks have struggled for it and have sacrificed their life. kitni zindagiyan jo qurban hui thi is ladai ke liye aaj wo sab fulfill ho gayi hain ya unka jo keh sakte hain jo ek obligation tha wo yahan aake pura hota hai. theek hai, ek jo burden unke andar, matlab ek burden nahi keh sakte, ek responsibility jo nelson mandela ne on behalf of all the people of blacks like him unke behalf pe jo responsibility unhone उठाई है वो आज जाके पूरी हुई है। अपार्थिड इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर एंग्लो बॉयर वॉर। एंग्लो बॉयर वॉर के बाद ऐसा हुआ था कि जब वो हार गए थे तो वाइट्स लोग जो थे यहाँ पे आकर अपनी डोमिनेंस दिखाने लगे थे। ठीक है, अपार्थिड सिस्टम, और जो ये अपार्थिड सिस्टम की बात हो रही है ये बात हो रही है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ बात हो रही है जिसको नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि वो हार्शेस्ट और मोस्ट इनह्यूमन, इनह्यूमन मतलब अत्याचारी, जो ह्यूमैनिटी की फीलिंग्स को से डिवॉइड हो। ठीक है, तो वो वाला सिस्टम था जिसने लोगों के अंदर म्यूचुअल फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल एक एंड पर ला दिया था। वो कहते हैं कि ये जो न्यू सिस्टम है, न्यू सिस्टम किस चीज़ का? इक्वालिटी का, जस्टिस का, और जो कि क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, जो कि क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है। वो सिस्टम आ रहा है और वो क्या करेगा, इस क्रूअल सिस्टम को एंड कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने यही इसी पैराग्राफ से, इसी स्टैंजा से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिखे हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले लिखवाया था, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। द अपार्थिड रिजीम means rule regulation या system the whites created in South Africa was one of the harshest and most inhuman societies in the world has ever known। तो ये question important है कि Nelson Mandela ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, ये इसी का part है, this is an important line, that's why I have written it with a different ink। राइट, अनदर क्वेश्चन इज कि नेल्सन मंडेला यहाँ पे ओवरवेल्म फील करते हैं विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। किस चीज़ की हिस्ट्री की बात हो रही है? वो न्यू सिस्टम जिसने एक नया सिस्टम का बर्थ हुआ है जहाँ पर फाइनल ब्यूरियल भी है। ब्यूरियल मीन्स दफन होना, बंद हो जाना, मर जाना। किसका? अपार्थिड रिजीम का। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक न्यू सिस्टम यहाँ बर्थ ले रहा है। कैसा न्यू सिस्टम? ऐसा न्यू सिस्टम जिसमें क्या होने वाला है, नॉन, जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, इक्वालिटी और जस्टिस के ऊपर फेथ रखता है। दूसरी चीज़, वो यहाँ पे इसलिए ओवरवेल्म फील करते हैं क्योंकि नेल्सन मंडेला जी से पहले बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है इन द रिलेंटलेस एफर्ट्स एंड द स्ट्रगल मेड बाय दोज पीपल अगेंस्ट वाइट्स। ठीक है, नेल्सन मंडेला ये बात बहुत क्लियरली बोलते हैं कि मैंने सिर्फ उन लोगों की लड़ाई को आगे बढ़ाया है और बहुत सारे जो मेरे ही जैसे लोग थे जो इस डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे थे उससे वो लोगों को
बचाना चाहते थे, अपने ही जैसे लोगों को बचाना चाहते थे, तो वो कहते हैं ये स्ट्रगल तो बहुत पहले, सालों पहले बहुत सारे लोग करके गए हैं, एंड ही हैज़ मेंशन सम ऑफ द फिगर्स ऑल्सो. ठीक है, कुछ पर्सनालिटीज़ के उन्होंने नेम भी दिए हैं, यू कैन चेक इट आउट इन योर बुक. तो वो कहते हैं कि मैंने इन सब लोगों की सैक्रिफाइस को, लड़ाई को आगे लेकर जाना चाहता था, और ऐसी लड़ाई लेकर जाना चाहता था जो एक्चुअली में सैक्रिफाइस की जगह पे, अगर सैक्रिफाइस भी हो, पर ये जो फ्रीडम है ये अचीव हो. सो लेट अस लुक टुवर्ड्स द चैप्टर फर्दर. अपार्थिड, डीप एंड लास्टिंग वूंड इन द पीपल. अपार्थिड वो सिस्टम था जो लोगों की लाइफ में क्या लेकर आया था, एक ऐसा वूंड जिसका इम्पैक्ट जल्दी से ख़त्म नहीं होगा लोगों की लाइफ से या लोगों के हाथ से. ठीक है, ग्रेटफुली एक्नॉलेज. नेल्सन मंडेला एक्नॉलेज करते हैं किन के एफर्ट्स को, वो सैक्रिफाइसेस, नॉट ओनली द एफर्ट्स, द सैक्रिफाइसेस. वो कहते हैं मेरे से आने वाले वो सारे ब्लैक पीपल जिन्होंने अपार्थिड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, एंड देयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, नॉट वन और टू और थ्री, नॉट हंड्रेड्स इन नंबर, बट थाउजेंड्स ऑफ पीपल. ठीक है, वो कहते हैं बहुत सारे ऐसे तांबोज होंगे, सिसलस होंगे, साधुस होंगे, फिस्टर्स होंगे, वो कहते हैं ऐसे नाम के बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज मुझे इंस्पायर किया, या उन्होंने इंस्पायर किया नेल्सन मंडेला को वो लड़ाई को आगे कंटिन्यू करने में, कि नहीं जब इतने सारे लोगों ने हार नहीं मानी तो हम लोग क्यों माने. ठीक है, सफरिंग्स कैन नेवर बी रिपीट. वो कहते हैं उनकी सफरिंग्स ऐसी हैं जिसको ना ही सीमेंट किया जा सकता, जिसको ना ही कवर अप किया जा सकता, ना ही जिसको फिल किया जा सकता है, ना ही रीपे किया जा सकता है. द सैक्रिफाइसेस आर इमेंस टू बी रिवॉर्ड, राइट. कॉल्स हिमसेल्फ सम ऑफ अफ्रीकन पैट्रियट्स. और ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे वो ट्रिब्यूट देते हुए कहते हैं उन सब पैट्रियट्स को जिन्होंने पहले से ही लड़ाई लड़ी, वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, उन सब अफ्रीकन पैट्रियट्स का सम हूँ. सम का मतलब है कि एडिशन. ठीक है, सबको मिला दिया जाए. तो वो कहते हैं उन पैट्रियट्स से मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ भी सीखी, अलग अलग पैट्रियट्स से अलग अलग वैल्यूज़ सीखी, और आज उन्हीं वैल्यूज़ को गाइडेंस बनाते हुए वो कहते हैं कि मैंने अपनी लड़ाई लड़ी है. जैसे वो कहते हैं कि अपार्थिड सिस्टम ने, ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, कि अपार्थिड सिस्टम ने ऐसे पैट्रियट्स को बर्थ दिया जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, जिनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, विजडम थी और जेनरॉसिटी थी. तो इतने थाउजेंड्स ऑफ पीपल से उन्होंने बहुत सारी वैल्यूज़ को सीखा, उन सबको इनकलकेट किया, और अपने आइडिया के साथ और अपने एफर्ट्स के साथ वो आगे आए वाइट एरिस्टोक्रेसी के डोमिनेंस से पूरी कंट्री को बचाने के लिए, नॉट ओनली टू प्रिजर्व द पीपल्स हेरिटेज, राइट. ये जो ब्लैक लोग हैं उनके हेरिटेज को बचाना है, ऐसा नहीं था, बट ब्लैक्स को भी वाइट के जैसा ही ट्रीटमेंट मिले वो ये चाहते थे. ऑपरेशन जो उनकी कंट्रीज में चल रहा है वो बंद करा देना चाहते थे. वो यहाँ पर काउंट करते हैं उन लोगों के एफर्ट्स को और कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है. वो कहते हैं जो हमारी लैंड है वो रिच है बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स में, इट्स यूनिक. बट वो कहते हैं कि इन मिनरल्स और जेम्स से हमारी कंट्री जो है ग्रेटेस्ट वेल्दी, ग्रेटेस्ट या वेल्दी नहीं बनती है पूरे वर्ल्ड के आगे. अगर ये कंट्री यूनिक है या इसके पास कोई ग्रेटेस्ट वेल्थ है जिसको वो रियल वेल्थ भी कहते हैं, वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका के लोग हैं, जिन्हें वो क्या कहते हैं कि ये डायमंड से जो होता है प्योर डायमंड, उससे भी फाइन और उससे भी ट्रू है. ठीक है, यहाँ पे हम थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. वो कहते हैं ये सारे लोग जो थे, ठीक है, इन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देखे, सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो थे, जितने भी जिस तरीके से ऑपरेशन क्रिएट किया जा रहा था उसने लोगों के अंदर डर, दबाव और ब्रूटालिटी. ब्रूटालिटी मीन्स जब हम किसी की तरफ निर्दयी हो जाते हैं, उन पर जुल्म करने की ताकत आ जाती है. जब हम किसी पर जुल्म करना शुरू कर दें तो हमारे अंदर ब्रूटालिटी हो जाती है. ठीक है, सो यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि किस तरीके से ये जेनरोसिटी, विजडम और करेज जो आया वो इन सब लोगों के सैक्रिफाइसेस से आया है. ठीक है,
नाउ द स्ट्रगल ऑफ कॉमरेड्स. अब ये कॉमरेड्स जितने भी हैं या जितने भी सैक्रिफाइजर्स जो हैं, जितने भी पैट्रियट्स हैं, उन सब पैट्रियट्स से उन्हें करेज का मीनिंग पता चला कि करेज असलियत में क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेज, ठीक है, या एक ब्रेव मैन कौन होता है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लाइन रिटन इन योर पोएम. आफ्टर नोटिंग ऑल दिस डाउन एंड अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर, यू मस्ट वंस गो थ्रू द बुक ऑल्सो. यू विल गेट द चैप्टर इम्प्रिंटेड इन द माइंड. पूरा चैप्टर याद हो जाएगा. इसको समझ लेने के बाद, नोट्स को कॉपी कर लेने के बाद एक बार बुक जरूर पढ़ना, ठीक है. करेज वो कहते हैं जितने भी लोग जो करेज रखते हैं, वो सारे कॉमरेड्स, वो सारे पैट्रियट्स जिन्होंने करेज के साथ लड़ा और सारे रिस्क लिए, मतलब जितने भी उनके ऊपर अटैक्स होते थे, टॉर्चर्स जितने भी तरीके के उनके साथ किए जाते थे, ठीक है, अटैक्स या टॉर्चर्स, वो सब एक्सेप्ट करते हुए कंटिन्यूसली लड़ते हुए जा रहे थे, ठीक है. वो कहते हैं वहाँ आता है मीनिंग ऑफ करेज. मीनिंग ऑफ करेज का मतलब वो नहीं है कि आप जहाँ पर डर जो है एब्सेंस हो फियर का, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंसान डरना भूल जाए तो वो करेजियस हो जाएगा. वो कहते हैं कि जो डर को ओवरकम कर ले, वन हु कैन ओवरकम कर ले, किसको ओवरकम करना है, डर को, ठीक है, वो करेजियस होता है, वहां करेज दिखता है इंसान को. और इसी तरीके से उन्होंने ब्रेव मैन की भी डेफिनेशन दी है. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न a very important about a very important part of the chapter which Nelson Mandela highlights and is often asked as questions also. ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा. वो कहते हैं कि teaching love to people, कि लोगों को प्यार कैसे सिखाया जा सकता है. He talks of love basically, कि जब हम छोटे होते हैं बचपन में अगर हम बात करें, so it is never the one कि हम जन्म से ही ये सीखे हों कि किसी को कैसे नफरत किया जा सकता है. इफ देयर इज अ बॉय और अ गर्ल और एनी चाइल्ड इन द स्ट्रीट, वी वुड हैप्पीली मीट दैट. ठीक है, जब हम छोटे होते हैं तो हम ये नहीं देखते हम किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं, या किससे करनी चाहिए किससे नहीं करनी चाहिए. हु सो एवर कम्स फॉरवर्ड, हम बात कर लेते हैं, है ना. सो हेट्रेड इज नेवर इनबॉर्न. तो हेट्रेड इनबॉर्न नहीं होती है. इट इज नेवर, वी आर नेवर टॉट टू बी हेटेड. हमें कभी भी हेट करना किसी भी कलर पर, किसी क्रीड कास्ट पर, या किसी भी जेंडर बेसिस पे हम नेचुरली नहीं सीखते हैं, ठीक है. पीपल कैन टीच ऑफ लव एंड कैन ऑल्सो लर्न थ्रू लव. दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि अगर लोगों को प्यार सिखाया जाता है और लोग सीख भी जाते हैं हेट करना, तो वाई डोंट पीपल टीच ऑफ लव. क्यों लोग प्यार को नहीं प्रीच करते हैं. वाई इज देयर नो प्रीचिंग ऑफ लव एंड वाई डोंट पीपल लव. हेट्रेड ही क्यों सिखाया जाता है. ये तो एक ऐसी फीलिंग है जो हम नेचुरली बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे एज कम्पेयर टू हेट्रेड. किसी को कहो नफरत करो, इट वॉन्ट बी ईजी. या तो आप टैंट्रम्स करोगे, ठीक है, उसके बारे में बुराई करोगे, गलत बातें बोलोगे, तो जाके कहीं ना कहीं फीलिंग्स डेवलप होंगी कि हाँ ये पर्सन सही नहीं है. पर हेट्रेड तब भी डेवलप नहीं होगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर एज ह्यूमैनिटी तब भी रहेगा. तो लव इज मोर नेचुरल टू बी अंडरस्टूड देन हेट्रेड, ठीक है. ये नेल्सन मंडेला जी का आइडिया है अबाउट लव, राइट. नेक्स्ट लेट अस कम ऑन टू द ट्विन ऑब्लिगेशन ही हैज, और ट्विन ऑब्लिगेशन के बारे में जो वो बात करते हैं, ठीक है. वो कहते हैं कि उनकी लाइफ में दो ऑब्लिगेशंस थी, मींस दो ड्यूटीज थी जो उनको फुलफिल करनी थी. एक ड्यूटी जो उनके पेरेंट्स, फैमिली, वाइफ और चिल्ड्रन की तरफ थी. दूसरी ड्यूटी वो कहते हैं उनके पीपल, हिज पीपल. हिज पीपल मींस द पीपल ऑफ हिज कम्युनिटी या पीपल ऑफ हिज नेशन, जो उनके लोग हैं या उनके जैसे ही सफरर्स हैं, जो उनके लोग हैं या उन्हीं के जैसे सफरर्स हैं, उन्हीं के कम्युनिटी के लोग और उनके कंट्री के लोग, ठीक है. सो यहाँ पे वो कहते हैं कि वो दोनों कम्युनिटी, दोनों ऑब्लिगेशन एक साथ फुलफिल नहीं कर सकते. कोई भी ऑब्लिगेशन अगर फुलफिल की जा सकती है तो एक पर्सन अपनी स्ट्रेंथ और सोशल स्टेटस के बेसिस पे कर पाता है, ठीक है. ये कहना है नेल्सन मंडेला जी का,
ठीक है, और ये बात सही भी है, या तो हम अपनी फैमिली की तरफ डेडिकेटेड होते हैं या हम अपने नेशन की तरफ डेडिकेटेड होते हैं, राइट। लाइफ, वो कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान वाइट एरिस्टोक्रेसी के अंदर अगर कोई भी पर्सन एक ह्यूमन बीइंग की तरह जीना चाहता है, एक आज़ादी की या एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, तो वो हमेशा पनिशमेंट और आइसोलेशन में रहता है। ठीक है, आइसोलेशन मतलब उसे उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता है, ठीक है, अकेली ज़िंदगी काटनी पड़ती है, बहुत सारे टॉर्चर्स सहन करने पड़ते हैं। तो वो कहते हैं दोनों चीज़ें तो मैं नहीं कर सकता था, मेरे लिए मतलब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि मुझे जो ज़्यादा सफरिंग दिखती थी वो मेरी फैमिली और मेरे किन्स की कम, किन्स मीन्स रिलेटिव्स, ठीक है, मेरे किन्स की कम और मेरे नेशन के लोगों की ज़्यादा सफरिंग्स दिखती थी। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी एक ब्रदर की जो ऑब्लिगेशन होती है या एक हस्बैंड रह के जो ऑब्लिगेशन है, एक फादर रहकर या एक सन रहकर जो भी ऑब्लिगेशन है, मैंने फुलफ़िल नहीं की, बट उन्होंने जो फुलफ़िल किया था, हिज सर्विस टू हिज पीपल, टू द पीपल ऑफ हिज नेशन। ठीक है, अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 5 मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ आता है स्टार, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज हेयर, ये जरूर पूछा जाता है, जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मंडेला का क्या कॉन्सेप्ट था, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ये शॉर्ट में भी आता है, शॉर्ट में आता है तो इन तीन तरीके से, और लॉन्ग में आता है तो किस इस तरीके से। मंडेला मीन्स नेल्सन मंडेला जी का क्या कॉन्सेप्ट था फ्रीडम को लेकर, ठीक है, तो फ्रीडम वो कहते हैं कि फ्रीडम टेम्पररी थी, अलग अलग स्टेजेस में लाइफ के, अलग अलग स्टेजेस में उन्हें फ्रीडम का एहसास अलग अलग तरीके से होता गया। अगर वो कहते हैं मैं बॉयहुड की बात करूं, तो तब क्या था कि मैं अपने कम्युनिटी के लोगों को या अपने फादर की बात का कहना मानूं, ठीक है, तो वो बॉयहुड है, बॉयहुड मतलब जब बच्चे होते हैं, ठीक है, रनिंग इन फील्ड्स, ऐसी मज़े में खेलना, प्लेइंग इन फील्ड्स, स्ट्रीम्स में स्विमिंग करने चला जाना, या फिर राइडिंग द स्लो मूविंग बुल्स, ठीक है, स्लो मूविंग बुल्स, ठीक है, उनके ऊपर सवारी करना, ये था मेरा फ्रीडम, बचपन के दिन ये थे और यही आज़ादी होती थी। ठीक है, देन यूथ, फिर वो बड़े हुए, बींग अ यंगस्टर, एक वो क्या सोचते हैं कि एक इल्यूजन खत्म हो गया, मैंने लिखा है इल्यूजन ओवर। इल्यूजन वो किसको कहते हैं, वो कहते हैं कि बॉयहुड की फ्रीडम उनके लिए, बॉयहुड फ्रीडम जो थी उनके लिए वो क्या थी, कम्प्लीटली एक इल्यूजन थी, ठीक है, बस एक आइडिया था जो उड़ गया टाइम के साथ, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। वो कहते हैं फिर मेरी जो फ्रीडम थी वो यर्निंग में चेंज हो गई, ट्रांजिस्ट्री थी पर यर्निंग में चेंज हो जाती है, और कैसे कि बाहर घूमना या बाहर रुक गए कहीं किसी दोस्त वगैरह के साथ, पढ़ रहे हैं, अपना मन कर रहा है तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीडिंग नॉवल्स अबाउट पीपल, अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल एंड ऑल, ठीक है, एंड गोइंग एनी वेयर, गोइंग एनी वेयर मतलब जहाँ मन कर रहा है, अगर खुशी से मन कर रहा है कहीं घूमने जाने का तो घूमा, वो यूथ का फ्रीडम, ये एक आइडिया था उनका, ठीक है, कि फ्रीडम क्या होती थी उनके लिए। फिर वो कहते हैं जैसे जैसे मैं मच्योर हुआ, लोगों की सफरिंग्स को देखा, सोसाइटी में क्या हो रहा है, और तब उन्हें ये पता चला कि मेरी फ्रीडम, अकेले की फ्रीडम, ये जो ट्रांजिस्ट्री आइडियाज़ हैं, इल्यूजन्स हैं, ये सब एक वेग थॉट है, ठीक है, उन्हें लगा कि फ्रीडम वो है जो मेरे जैसे और हम जैसे लोगों को जो डिप्रीवेशंस में रखा जा रहा है या डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उससे अगर हम बॉन्डेज से दूर हो जाते हैं तो वो रियल फ्रीडम है, और वहाँ पर उनकी हंगर फॉर फ्रीडम बढ़ गई, ठीक है, मेड हिम रिबेल। वहाँ से वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए रिबेल बने, उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया गया, सीक्रेसी में रहना पड़ता था उनको, क्योंकि अगर ओपनली, ठीक है, अगर वो ओपनली रहेंगे लोगों के सामने अपने प्लान्स को लेकर, तो उनको तो बांध दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा या टॉर्चर्स किए जाएंगे, तो बहुत सीक्रेटली उन्हें वो लगे रहे अपनी लाइफ को, देश को आज़ाद कराने में। ठीक है, वो कहते हैं कि रियल फ्रीडम मैच्योर माइंड से देखा जाए तो वो है जिसमें एक इंसान अब डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह पा रहा है। डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है आत्मसम्मान के साथ, एक अपने सोशल स्टेटस के साथ रह पा रहा है जिसमें उसकी मान्यता है, उसकी इज्जत हो। ठीक है, कुछ चेंजेस आते हैं, किस तरीके से वो ऑप्रेस्ड और ऑपरेशन के बीच का आइडिया देते हैं वो देख लेते हैं। Moving towards the last phase of the chapter where he talks about, Nelson Mandela talks about freedom and its concept of indivisibility, मतलब freedom बढ़ता नहीं है, जो है as a whole है,
अगर एक को फ्रीडम नहीं मिला है तो दूसरे को भी फ्रीडम नहीं मिलेगा, जस्ट लाइक चेन। और एक को फ्रीडम मिल गया मतलब सबको फ्रीडम मिल गया, ठीक है। फ्रीडम का आइडिया बिल्कुल चेन लॉक्स की तरह है, ठीक है। वो कहते हैं जो ट्रू फ्रीडम का आइडिया है, वो कहते हैं कि एक वो इंसान जो लॉफुल लाइफ जी पा रहा है बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, अगर वो लॉफुल लाइफ जी पा रहा है तो वो ट्रू फ्रीडम है उस पर्सन के लिए। मोर ओवर वो यहाँ पर एक आइडिया लेकर आते हैं, किस चीज़ का ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक ऑप्रेसर और एक जो ऑप्रेस्ड होता है, दोनों ही जो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड होते हैं दोनों ही रोब्ड होते हैं, किस चीज़ से? उनकी ह्यूमैनिटी से, मतलब इंसानियत दोनों के अंदर ख़त्म हो चुकी होती है। ऑप्रेसर वो जो जुल्म कर रहा है और ऑप्रेस्ड वो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ठीक है, ये दबाव बनाया जा रहा है। तो वो कहते हैं एक ऐसा पर्सन जिसकी फ्रीडम ले ले कोई और पर्सन, तो वो किसका प्रिजनर बन जाता है? हेट्रेड। उसने फ्रीडम तो ले ली दूसरे की, पर खुद बन गया है प्रिजनर, किसका? उसकी हेट्रेड का। तो दोनों चीजें क्या है? इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, जस्ट लाइक द लॉक्स ऑफ द चेन, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं कि किसी की भी फ्रीडम अगर ले ली जाती है तो वो इंसान कभी फ्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो हेट्रेड से बंध जाएगा और प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज मतलब एक बायस्ड ओपिनियन रखेगा, ठीक है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बना लेगा, अपनी थिंकिंग या अपनी जजमेंट्स बना लेगा उस सामने वाले पर्सन को लेकर, भले ही वो किसी का सर्वेंट हो पर दुश्मनी हो चुकी है उससे, ठीक है, क्यों? एक नफरत पैदा हो चुकी है। तो फ्रीडम का काम क्या है कि फ्रीडम अगर एक को मिल रही है और सबको मिले तो सब हारमोनी के साथ रहेंगे, बट अगर ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं तो लव तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, हेट्रेड और इनह्यूमेन नेचर दोनों ही, इनह्यूमेन नेचर दोनों ही जन्म ले लेंगे। एंड दैट इज हाउ नेल्सन मंडेला टॉक्स कि फ्रीडम सबका बर्थ राइट है, ठीक है। सो I hope you have understood the chapter, you have noted down the notes, if not then you must note down. One suggestion, do write and try to answer the questions we discussed today by yourself, theek hai, or book a chapter zarur padhna if you want to understand the chapter thoroughly. Do give a like to it if you understood it and do share it with your friends so that this chapter can be understood well in a nutshell, right? एक बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से मैंने ये चैप्टर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ज़रूर अपना फीडबैक दें एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन सेइंग बाय बाय।